और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू वीआर अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग, ठीक होंगे? तो आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे थे? कोट रामदास। वहाँ पे ना कोई समाधि वगैरह है हिंदुओं की, तो वहाँ पे जाके आपको चीज़ वगैरह दिखाते हैं। तो हमारे ओन भाई हमारे साथ आ गए थे, तो चलते हैं फिर अभी रानी पर निकलते हैं। हमारी रानी यहाँ ही है, तभी निकलते हैं। आपको रास्ते में तो जाते हैं दिखाते हैं, जाके हमारे साथ साथ रहिएगा। ब्लॉग को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। फाइनली हम उस लोकेशन पे आ गए जहाँ हमने आना था। ये देखें, ये है वो आपको इमारत, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। असल में यहाँ ना दमूड़ियाँ, जिसे कहते दमूड़ियाँ, इधर बहुत ज़्यादा हैं, तो अंदर जाएँ तो आ जाती हैं। ये चीज़ देखें, ये सिखों का, सिखों में से किसी का घर था तब। तो जब से सिख वहाँ यहाँ से गए थे ना, तो यहाँ पर क्लास रूम बन गया था, मैंने वीडियो में देखा था। ये ऊपर भी एक क्लास रूम थी, तो वो वाइट बोर्ड लगा हुआ, नीचे भी बोर्ड बना हुआ है। तो ये देखें, अभी तक देखें, मतलब कि अभी थोड़ी थोड़ी मजबूत, नहीं इतनी मजबूत नहीं है, गिर भी सकती है ये। तो आपको ये पूरी तरह देख लें, आप चेक कर रहे हैं जी। यहाँ पे ना दीवार थी एक, नीचे भी वाइट बोर्ड है, ऊपर वाइट बोर्ड था। अब यहाँ पर दीवार थी, देख सकते हैं आप यहाँ। चलो ठीक, आपको दिखा दिया आपको। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये देखें वो ना आप देख रहे हैं, वो शमशान घाट है। शमशान घाट आपको वहाँ पे जाकर वो भी दिखाते हैं जाके। तो फिर ये देखें आप, वो कुत्ती बैठी है, ये पैन आ जाए सामने, बस ये चीज चेक करने हैं। ये पता नहीं अब क्या है, बताया नहीं था। यहाँ पे अक्सर मन गाँव वाले से पूछा तो कह रहे थे कि यहाँ पे नशाई वगैरह आते हैं, नशा वगैरह करते हैं, कि ऐसा उन्होंने किया है। पहले तो बहुत साफ था ये, तो चेक करें। ये इसकी बाइक लुकिंग है जो आपको पहले दिखाया है, और इसकी लुकिंग दिखाते हैं। ये है प्यारा, ये भी वैसे तो ये भी प्यारा है। और आगे ये दिखाते हैं आपको, ये चेक करें, यहाँ पे कुत्तों कुत्ती के बच्चे बैठे होंगे, चेक करें जी। अब इसका भी नाम नहीं आता, पता नहीं ये क्या है। ये चेक करें, बहुत ही ना पुरानी किस्म की है, चेक करें, दीवारें फुल ब्लैक हो गई हैं, ये देखें। तो अब ये चेक करें, अब ये बाहर की है लुकस की, आपने वो देख लिया। तो अगो आपको ये दिखाते हैं, यहाँ पे ना एक कब्र बनी हुई है, ये कब्र है देखें। अब ये पता नहीं है कि मुसलमानों में किसी की है या सिखों में से किसी की है, इसका पक्का नहीं अभी बता रहे, कोई भी बता रहा कहाँ पे। ये देखें, वो पता नहीं अल्लाह लिखा हुआ, वो भी देख लेते हैं। अब दिखाते हैं आपको भी कहाँ पे, ये मेरे ख्याल में खुद लिखा होगा। ये देखें, ये भी लिखा हुआ अलग है, मतलब कि इस कब्र का भी ना पक्का आप बता सकते हैं, ये किसकी है आप भी पक्का नहीं बता सकते हैं। देखिए है तो भाई, ये बहुत पुरानी है, पता नहीं ये क्या लिखा होगा, बाबा समझ नहीं सही आ रही, तो रहने दे। फुल पुराने ज़माने की जो चीज़ होती हैं ये वो लगी हुई है, देखें मतलब कि मिट्टी से पलस्तर हुए हैं, ये देखें मिट्टी से सारे अंदर के चौड़े हैं, ये सब ना मिट्टी से पलस्तर हुआ है, जो मिट्टी से पलस्तर किया हुआ है, ये सब चेक करें। फुल मतलब के इतना भी पुराना नहीं है, मतलब के 150 साल पुराना बताया था उन्होंने, ये चेक करें ना, मिट्टी से पलस्तर किए हुए, ये देखें सब मिट्टी से, ईटें भी ये पुराने ज़माने की हैं। तो देख लिया आपने, इसकी आपको बाइक लुक दिखाते हैं। तो गाइस आपको अभी ये दिखाते हैं,
मुझे पता नहीं अंदर से अभी क्या चीज़ है, डर लग रहा है, लंबोरी आ गई थी फिर है। दिखाते हैं हम चलते हैं अंदर अभी भी चेक करें। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से नशे वगैरह आए हुए हैं, अंदर से स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है। चलते हैं अंदर, जहाँ तो आई है फिर चेक करें। पता नहीं ये क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने, अपने नाम वगैरह लिखे हुए फुल पुरानी है। चेक करें जी इसकी छत, चेक करें बस ये फुल पुरानी है। नंबर भी लिखा हुआ कार मंज, चेक करें जी। यहाँ पे असल में नशा ही बहुत, उन्होंने सारा खराब कर दिया। यहाँ पे पहले से सिगरेट डब्बियाँ पड़ी हुई थी, जला जला के सब ने खराब ख़त्म कर दिया होगा। तो आपको ये भी दिखा दिया है, तो अब आपको एंड पे दिखाएंगे वो शमशान घाट। तो ये देख सकते हैं अब इसकी लुक ये है बाहर की। तो आपको एक द्वार दिखानी थी, ये देखें पास जगह दिखाते हैं आपको। ये देखें पुराने ज़माने की जो दीवारें थी ना, देख सकते हैं आप, बहुत ही मतलब कि मोटी थी, है मजबूत थी। ये देखें उन्होंने मोर वगैरह बनाए हैं, एक ये मोर नहीं है और ये मोर है और वो इंसान बने हुए थे आगे, ये इंसान बना हुआ है। चेक कर सकते हैं आप, ये इंसान के पुराने जमाने की चीज़ें यहाँ पर। दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पाकिस्तान, मतलब कि ये एक ही ये चीज़ करें ना तो पाकिस्तान में बनाते हैं। तो अब देखें क्या करना, अभी फ़ोटो वगैरह बना लेते हैं, तो फिर फ़ोटो बना के आपसे मिलते हैं। अभी पिक्चर वगैरह साथ में हमने क्लिक वाला कार नहीं थी, तो उसका फाइनली लुक ये है, देख सकते हैं आप। और ये बताया था आपको जिसके बारे में, तो अभी ये फाइनली आप जाते हैं शमशान घाट, वो देख रहे हैं आप। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि समाधि, जैसे ये समाधि बनी हुई है, समाधि, ये भी समाधि है और ये भी समाधि है। तो अभी आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कि जैसे मतलब कि मैं वहाँ पे जाके ना टोया निकले हुए हैं, तो वहाँ दिखाते हैं जाके आप सीन वगैरह देखते हैं फिर आपको। फाइनली अब हम वो देखेंगे, वो छोड़ा है तभी शमशान घाट में आ गए हैं, बाइक करानी यहाँ पर खड़ी कर दी है। अब जाते हैं शमशान घाट में, ये देख सकते हैं ये सारा रोड है सुनसान, देख सकते हैं आप। और आपको ले जाते हैं शमशान घाट की तरफ, अभी चलते हैं। असल में यहाँ पे कंडे भी बहुत हैं, से बच बच के जाना पड़ेगा। चेक कर सकते हैं आप, ये शमशान घाट है, ये देख शमशान घाट, चेक करें जी। ये शमशान घाट, कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ये शमशान घाट है हिंदुओं का। तो ये पता नहीं किस किस लिए खुदा होगा, चलो जी देखें जी। असल में यहाँ भी मिट्टी का पार्ट पुरानी लगा हुआ है, अभी ना मिट्टी से प्लस्तर किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी आपको फिर इसका बाइक का व्यू कराते हैं, तो फिर निकलते हैं वापसी की तरफ। यहाँ पे मतलब कि ये देख सकते हैं आप, ये टाइल जो यहाँ पे लगी हुई है ना, मतलब कि ब्रिक ब्रिक, इसे इट कहते हैं पंजाबी में। तो ये पुराना माना कि ये ब्रिक टाइल वगैरह वही लगी हुई है यहाँ पे, ये देखते हैं। यहाँ पे मतलब कि जलाते थे इंसानों, मतलब जब कोई मजा था हिंदुओं का, तो यहाँ पे इंसान की बॉडी को जलाते थे। ये चीज़ है यहाँ पे, ये एरिया बस, तो देख सकते हैं आप। अभी निकलते हैं बाइक की तरफ, आप तो दिखाते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा। फिर अभी यहाँ से जा रहे हैं बाहर, फिर तो बाहर से आपको इसका पूरी म्यूजिक व्यू वगैरह कराते हैं, तो फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। चलो देख सकते हैं आप, तो फाइनली इसका लुक आपको दिखाते हैं, ये इसकी लुक का फाइनली ओके हो गया। तो फिर अब चलते हैं घर की तरफ, रास्ते में आपको रास्ता वगैरह दिखाएंगे। तुम्हारे ब्लॉग को पूरा देखिए का। You say never let me go।
अभी घर आ गए हैं, तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।